हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू पवन रजौरिया व्लॉग्स। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ चमत्कारी अंडे की भुजिया। अरे बाबा, अब इसमें चमत्कार क्या है वो इसलिए हमने नाम रखा है इसका चमत्कारी भुजिया। जो उसमें डलेगा ना वो शायद आपने सुना भी नहीं होगा वो क्या डलेगा। एक ऐसी चीज है, आप उसे खाओगे ना आपको समझ नहीं आएगा अंडा खा रहे हो या पनीर की भुजिया है या कुछ और है। तो आइए मैं आप दिखाता हूँ आपको कैसे बनेगी भुजिया। इसमें ना एक चीज डलनी है यार, वो ना अगर मैं आपको अभी बता दूंगा तो आप सोचोगे अरे कूड़ा है मम्मी खाएंगे, पर वो बाकी अच्छी बनेगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो बनाने की रेसिपी क्या है, मेरी सारी तैयारी होगी ना। मैं चार अंडे लेने वाला हूँ। पहले सबसे पहले मेरे को डालना है ये सरसों का तेल, और इसके लिए क्या क्या चाहिए, ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। जो एक सीक्रेट चीज़ है वो आपको शो कर ही दूंगा। मैंने लिया है अभी ये लिया है 4 से 5 लहसुन का पेस्ट कर लिया, 1 हरी मिर्च, अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है 2-4 ले लेना, टमाटर 1 मीडियम साइज़ का टमाटर है, 2 मीडियम हल्के छोटे 2 साइज़ के प्याज मैंने चॉप कर रखे हैं। तो स्टार्ट करता हूँ। तो यार ये सरसों का तेल लिया मैंने, और मैं यूज़ ही सरसों का तेल ही करता हूँ ज़्यादातर ना घर में। और 4 अंडे की भुजिया, तो तेल तो अपने हिसाब से ले लेना। पैन भी मेरा नॉनस्टिक है तो मैं कम भी तेल डालूंगा तो चलेगा। चलो जब तक तेल गर्म हो रहा है मैं अंडे फैन लेता हूँ, फोड़ लेता हूँ। तो भाई तेल गरम हो गया, अंडे मैंने फोड़ लिया। जो खास चीज़ थी ना जो अंडे को पनीर जैसा कंफ्यूजन बताएगी और इतना अच्छा टेस्टी है, वो है मिल्क। अब आप सोचोगे मिल्क से अंडा कैसे बनेगा, तो ये अंडा मैंने फैट रखा है तो इसे मैंने लिया है 1 अंडे से। जब 3 अंडे की आपलेट बना भुजिया बना रहे हो तो 1 अंडे जितना दूध ले लेना। मैंने 4 अंडे लिए तो मैंने दूध डाल दिया इसमें। अब मैं दूध के साथ इसको फैट लेता हूँ। तो तेल गरम हो गया अपना, सबसे पहले मेरे को डालना है जो लहसुन मैंने चॉप कर रखा था ना 4 से 5 लहसुन, वो मैंने डाल दिया। ये डल गया, दिखा दो पीछे, ये मैंने डाल दिया। ये लहसुन ना ज़्यादा काला भी नहीं करना, बिल्कुल लाइट लाइट सा ब्राउन हो जाए ना, लगता है ताकि तेल में फ्लेवर आ जाए लहसुन का, कच्चा ना है। ये मैंने कर लिया, हल्का सा ब्राउन हो गया है। उसी के कुछ 5 से 10 सेकेंड बाद ये प्याज छोड़ दिया मैंने इसके। अब डाल दो मैं इसके साथ प्याज के साथ ही मिर्ची डाल दी मैंने, क्योंकि प्याज है भुजिया है तो अंडा ज़्यादा ना पकाऊंगा नहीं प्याज। ये मैंने डाल दिया टमाटर इसके अंदर, 1 मीडियम साइज का टमाटर। टमाटर डाल दिया, उसके साथ डाला नमक। ये नमक डाल दिया क्योंकि मैं हमेशा की तरह था नमक, टमाटर के साथ नमक जरूर डाल लें, जितना आपको टेस्ट चाहिए नमक का उतना डाल लेना ताकि टमाटर भी गल जाए। तो टमाटर थोड़ा गल जाए, उसके बाद जैसे टमाटर गल चुका, हल्का हल्का गल चुका क्योंकि भुजिया है पूरा मसाला नहीं बनाना। अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी, लाल मिर्च जितनी आपको चाहिए तो आप उतनी डालना। ये डाली लाल मिर्च, तो भाई ये टमाटर पे प्याज गल चुके हैं, और जो कि खास करके मैं आपको बता रहा था ना, ये दूध जो मैंने डाल रखा है ना संडे के अंदर, अब ये भुजिया के अंदर मैं छोड़ दूंगा, उसके अंदर छोड़ दूंगा। चलो ये डाला अंडा, अंडा जा चुका है हमारा इसके अंदर, गैस थोड़ी सी तेज। अब इसको ना आप ऐसे हल्का हल्का हिलाते रहिए ताकि ऑमलेट ना बन जाए, भुजिया बनानी है हमें। लो ये बनता जा रहा है धीरे धीरे करके, ये वाकई बहुत अच्छी होने वाली है भुजिया ना हमारी, ये आपने सुनी नहीं होगी।
तो यार अब ये अंडे की खीरे की जो उसका मिल्क था वो सूखता जा रहा है, ड्राई होती जा रही है भुजिया। कंटिन्यू ना ये चलाते रहना आपने, ठीक है, आराम आराम से, आराम आराम से इसको फोड़ते रहें और चला, जैसे मैं चला रहा हूँ ना ऐसे चलाते रहना है, सूखती जाएगी और आपकी भुजिया बन के रेडी हो जाएगी। ये ऐसे धीरे 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 चलानी है, पर यार घर पर ट्राई जरूर करना, ठीक है। देखो कैसे सूखता जा रहा है ना इसका पानी, पानी कह रहा हूँ जो दूध हमने डाला था इसके अंदर वो सारा सूखता जा रहा है। मैंने टोन डाला वैसे आप फुल क्रीम का दूध इसमें यूज करना। तो यार भाई अब ये ना हल्की हल्की पकती जा रही है, आपको तो ऐसा लगेगा कि पनीर की, और एक और खास बात स्मेल दूर हो जाती है ना, अंडे की ज्यादा स्मेल नहीं आती है। कई में आप नॉर्मल ग्राम स्मेल पर होते हैं, अंडे की हमारे घर में स्मेल भी नहीं है, मिल भी डाला था इसके अंदर और मिल्क बाकी सूख चुका है। इसको ट्राई जरूर करना, ये कुछ यूनिक सी चीज़ आपने देखी होगी अंडे के अंदर दूध। ये देखो कितनी बढ़िया हो गई है फर्स्ट क्लास। वैसे हमारी भुजिया रेडी हो चुकी है पर मैं थोड़ा और हल्का सा भून लूँ, तो मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर रहा हूँ ताकि ये पानी जो मिल्क जो हमने डाल रखा है वो हल्का सूख जाए और सूख जाए, क्योंकि स्टीम जल्दी जा रही है, हल्की सी ब्राउनिश हल्का सा कलर हो जाएगा ना इसका, खुद ही फील आ जाती है जब आप कुकिंग करते हो ना कि अब रेडी हो चुकी है। बस एक मिनट तक मैं और भूनूंगा इसे, फिर उसका डिश आउट करके फिर आपसे मिलते हैं सीधा। तो गाइस हमारी भुजिया हो गई है रेडी, इसके ऊपर धनिया आप चाय तो डाल देना, मैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा तो मैं धनिया डाल देता हूँ इसके ऊपर, ये हल्का 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 धनिया डाल दिया, तो मैं थोड़ा डिप करता हूँ। तो हमारी अंडे की भुजिया बन चुकी है, मैंने डिश आउट कर लिया इसको, तो मैं थोड़ा सा ना इसके अंदर धनिया डाल दिया ताकि सुंदर दिखे, और कोई कह नहीं सकता इसमें मैंने दूध मिलाया था, बाकी दिखाना ये कितनी प्यारी बनी है यार फर्स्ट क्लास, इसमें मिल्क मिला रखा है और इसमें ना अंडे की स्मेल भी नहीं आएगी। ये टेस्ट करके देखते भाई कैसा है, गर्म है थोड़ी ना, बाकी बहुत मस्त अंडे की भुजिया बनी है ये वाली, और ये अंडे की लग भी रही है तो थोड़ा पनीर की भी लगेगी, आप थोड़ा उसको फोड़ दोगे ना क्रश करते रहोगे भुनाई के टाइम पे तो और ज़्यादा मस्त। तो ठीक है भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इतने अपने भाई को भी खिला दूँ, ठीक है टाटा, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं यार क्या होगी, बाहर घूमने चलेंगे कैप्टन से मिलने चलेंगे ना, हाँ कैप्टन का भी सोचा है कि कैप्टन से कुछ दिखा दूँ कल नेक्स्ट वीडियो में उससे नेक्स्ट में, बाकी भुजिया बहुत टेस्टी है आपको दिख रही होगी जिसमें मिर्च मिला था, बट ट्राई जरूर करना यार ये वाली ना रेसिपी बहुत अच्छी है, और शायद आपने पहली बार ही सुना होगा कि अंडे के अंदर दूध मिलता है, ठीक है। तो टाटा अभी के लिए यही हमारी चमत्कारी भुजिया थी मिल्क वाली, क्योंकि अनोखी चीज़ थी ना इसलिए हमने चमत्कारी भुजिया नाम दिया इसको। तो फिलहाल अभी के लिए टाटा, अगले नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, ठीक है भाई बाय।